बना रहा तो आई थिंक मैं जरूर आऊंगी। ओके सुमित्रा, आप एक कामयाब सिंगर हैं, मतलब लोगों ने कामयाब किया है आप लोगों को, और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, अच्छा गाते हैं। तो अगर यंग जो सिंगर्स हैं, आने वाले सिंगर्स हैं, अपनी तरफ से बीइंग अ सीनियर सिंगर, आप क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं भी अभी लर्निंग स्टेजेस में हूँ, थैंक यू आपने मुझे इतना इज्जत दिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं यही कहूँगी कि मेरी जो खुद की एक्सपीरियंस रही है, मैं जब स्कूल जाती थी तब से मैंने लता जी के, आशा जी के जितने भी गाने हैं सब पे आ गए मेरे, मतलब ऑलमोस्ट मैंने यहाँ के स्कूल के कॉम्पिटिशन यहाँ वहाँ जाने के लिए, ये पढ़ाई के साथ साथ ये एक्टिविटी चलता रहा। ऐसा नहीं कि एक दिन सोच लिया कि सिंगिंग में आना है, ऐसा नहीं है, ये एक सच में एक पैशन है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सीखो क्लासिकली, कोई भी दौर, हिंदुस्तानी हो या शास्त्रीय संगीत, कर्नाटिक हो, दक्षिण का, कोई भी आप सीखो सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप फिल्मी गानों में अगर करियर पर्स्यू करना चाहिए, फिल्मी गाने काफ़ी सुन के सीखिए, सब अपना बैंक रेडी रखिए, रिसर्च करिए, और तीसरी चीज़ अपने खामियों पे आप वर्क करें। तो इसलिए खुद सोचना कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ या मैं बहुत अच्छी कर रही हूँ, सबसे क्या बोलते हैं, आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी रुकावट होती है कि सोचना कि मैं अच्छा गा रही हूँ या गा रहा हूँ। तो अपनी गलतियों का और अपनी खामियों का एहसास होना। आप कितने रियाज करते हैं डेली? मैं 1 आवर डेफिनेटली करती हूँ डेली, और इसके अलावा मेरी जो गाड़ी में एज एम ड्राइविंग, मैं ड्राइव कर रही हूँ या कहीं भी जा रही हूँ तो कुछ ना कुछ मैं सुनती रहती हूँ। तो मेरे रियाज का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हुआ है, जैसे कुछ साल पहले मैं बैठ के शास्त्रीय रियाज करती थी, अभी मेरा रियाज मेरी गलतियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। चलिए सुमित्रा, हम यही करेंगे, आप हर साल यहाँ पे आए, आपके सर एक